दिल्ली में आज संस्कृति मंत्रालय की ओर से सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। रैली शुरू हो गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसे उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, इस रैली को रवाना कर दिया है। और प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार इस रैली को कवर कर रही है। प्रियंका, फिलहाल बाइक रैली कहां पर पहुंची है और मकसद इस बाइक रैली का? हेलमेट पहने हुए हैं, पीछे उनके जो केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और यहां से ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं शुरू हो गई है। एक के बाद एक ये तिरंगा बाइक रैली शुरू हो रही है जिसमें तमाम मंत्री तमाम एमपी शामिल हो रहे हैं और हर एक बाइक में एक तिरंगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तमाम बाइकें यहाँ आपको नजर आ रही है उन सब में एक एक तिरंगा लगा हुआ है। और खास बात यह कि कहा गया है, खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी मोड़ पर इस पूरी यात्रा के तिरंगे का अपमान ना हो। और यहाँ आप देख रहे हैं एक एक करके जो तमाम लोग हैं वो निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हमने आपको दिखाया कि यहाँ से बाइक पर बैठ के निकल गए हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं, जो अलग अलग ऑफिस बेयरर्स हैं बीजेपी के, अब वो लोग निकल रहे हैं बाइकों पर बैठकर। हर एक बाइक के पीछे आप देख रहे हैं एक तिरंगा लगा हुआ और यहाँ से ये प्रगति मैदान से शुरू होती हुई ये तिरंगा यात्रा यहाँ से कर्तव्य पथ इंडिया गेट होते हुए, इंडिया गेट के बाद अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कल्मिनेट होगी, खत्म होगी। और यहाँ पर ये सुनील यादव ओबीसी मोर्चा के बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं वो एक के बाद यहाँ से यहाँ निकलते जा रहे हैं। ये किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, कल्चरल मिनिस्टर इनके पीछे अनुराग ठाकुर, दोनों हेलमेट में इस तिरंगा बाइक यात्रा पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप कल्चर मिनिस्टर और अनुराग ठाकुर दोनों को देख रहे हैं। यहाँ एक करके नेता आपसे बात करें तो यहाँ पर सबके सब अब दिख रहे हैं। खास तौर पे बात की जाए तो दिल्ली और बीजेपी के भी लोग यहाँ पर जनरल वीके सिंह हेलमेट में नजर आ रहे हैं और लीड करते हुए ये रॉयल एनफील्ड में दिख रहे हैं। इसके साथ तमाम नेता यहाँ पर एक के बाद एक, अमलजीत शेरावत को आप देख सकते हैं पीछे बैठी हैं, हेलमेट पे बैठी हुई हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये बाइक रैली यहाँ से निकल रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन जागृति के लिए इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा का ये महोत्सव जो है 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जाएगा। हर एक घर में तिरंगा हो इसके लिए ये एक जागृति का प्रोग्राम आज किया जा रहा है जिसमें तमाम एमपीज को इनवाइट, यहाँ तेजस्वी सूर्या नजर आ रहे हैं। देखिए बीजेवाईएम के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के और अब तेजस्वी सूर्या भी तैयारी में है। और यहाँ पर देखिए ये भी एक बाइक तेजस्वी के लिए यहाँ पर अरेंज की गई है, तेजस्वी भी इस बाइक पर बैठ के जाएंगे। आप ये कर्नाटक से एमपी, बेंगलुरु से, और यहाँ वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो यहाँ देखें एक एक करके जैसे हम दिखा रहे हैं कि हर तमाम चेहरे जो तमाम एमपीज हैं वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से ये अब आपको यहाँ नजर आएंगे ये तस्वीरों में तेजस्वी सूर्या, इसके साथ साथ ही अलग अलग तस्वीरों में आपको एमपीज मंत्री हम लगातार दिखाते जा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए आप एक एक करके यहाँ पर सब तमाम लोग आगे बैठ रहे हैं। देखें यहाँ तेजस्वी सूर्या का इंतजार तमाम क्योंकि यहाँ पर अभी बाइकर जो एक एक करके निकल रहे हैं और यहाँ से आगे उनको करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने एक नई परंपरा जो स्थापित कर दी है इससे पूरे देश में उत्साह है। आज से लेके पूरे देश में हर घर में तिरंगा लगना शुरू हो जाएगा और पिछले वर्ष की तरह एक नए उत्साह और उमंग के साथ अमृत काल में हम प्रवेश करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर देश के हर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाने की सेवा में हम सब लगे रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 2 वर्षों में लाखों कार्यक्रम देश भर में किए गए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। संकल्प एक ही मन में था, 75 वर्ष आजादी के हुए हैं, संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तिरंगे की ताकत को और बढ़ाना है।
और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और न केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। ये अवसर है हमें कि तिरंगे को घर घर लहरा दो। पिछले साल भी जब हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, तब हमने देखा कि जो 2011 में जब मैं तिरंगा यात्रा लेके कश्मीर गया था, तो उससे पहले कश्मीर में तिरंगे झंडे को बहुत बार जला दिया जाता था। पाकिस्तान के झंडे को कई लोग अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन 370-35 से भी चला गया। और पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार चला था, और इस बार भी देश के हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हम सब ये प्रण लेंगे, भारत को विकसित भारत बनाए। उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, एक तो पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी सांसद साथियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया, तो एक तरह का एक एकता का संकेत भी है। दूसरा, भारत माता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, तिरंगे के प्रति हमारा समर्पण, उसका संकेत। और तीसरा, एक रैली के माध्यम से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक सूत्र में बांधने का काम न केवल सांसद साथियों को बल्कि देश के प्रति नागरिक को होता है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रवि, हम देख पा रहे हैं कितना उत्साह इस बाइक रैली को लेकर तमाम सांसदों में देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सांसदों को आमंत्रित किया गया था ताकि एक एकता का संदेश दिया जा सके, आप फिलहाल कहां पर मौजूद है, वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बीजेपी के तमाम सांसद और मंत्री तो हम देख ही पा रहे हैं रैली में, आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली के प्रगति मैदान से इस रैली की शुरुआत हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस रैली को फ्लैग ऑफ किया है और इसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, चाहे वो जी किशन रेड्डी हो, मीनाक्षी लेखी हो, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अनुराग ठाकुर, ये तमाम जो मंत्री और सांसद, चाहे वो दिनेश लाल निरहुआ, चाहे वो मनोज तिवारी, ये तमाम लोग शामिल हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली के लोग शामिल हैं। ये संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2022 में पिछले साल हुई थी, जिसमें लाल किला से इसकी शुरुआत की गई थी पिछले साल। लेकिन इस साल ये प्रगति मैदान से लेकर अब ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति मैदान से रैली रवाना हो चुकी है। बाइक पर तमाम जो लोग हैं वो सवार हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम लोग हो, नेता हो, ये तमाम लोग आप तस्वीरों में देखें। और इसके बाद अब आगे बढ़ता हुआ ये रैली का जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है और सीधे अब इंडिया गेट और कर्तव्य पथ होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्त होगा। जिसकी बात आपने सवाल पूछा था, ये किसी पार्टी की या सरकार की रैली नहीं है, ऐसी रैली बाइक रैली है, क्योंकि हर घर तिरंगा 13 से लेकर 15 तारीख तक ये हर घर तिरंगा का आयोजन किया जाएगा और जिसमें लोगों से अपील की जाएगी। इस बीच में कैमरा पर्सन अजय से भी तस्वीरें दिखाने के लिए कहेंगे कि किस तरीके से इस बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है अभी इस समय, क्योंकि जिस रास्ते पर ये बाइक रैली चल रही है, निकल रही है, उन रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि आम ट्रैफिक इस रास्ते पर नहीं आ सकती है। अभी फिलहाल इस रास्ते पर बाइक रैली का ही आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये किसी पार्टी की रैली नहीं है, ये किसी पार्टी की बाइक रैली नहीं है, या हर घर तिरंगा किसी पार्टी का आयोजन नहीं है। सरकार ने तमाम लोगों को आयोजन के लिए अपील किया था, इसमें शामिल होने के लिए अपील किया था, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो। लेकिन इसमें ज्यादातर आप देखें कि केंद्र सरकार के मंत्री या फिर वो लोग शामिल हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार के मंत्री हों, चाहे वो बीजेपी के सांसद हों, वही लोग इसमें नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि कितनी बड़ी तस्वीर आपको कैमरे स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि पूरी के पूरी जो नई दिल्ली का इलाका है, इसमें प्रगति मैदान से आगे बढ़ रहा है ये कारवां काफिला, और हर जगह पे हर हाथ में तिरंगा आपको नजर आ रहा है। बाइक के जरिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं और किस तरीके से तस्वीर आप देखें कि ये बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका यही कहना था कि उन्होंने अपील की थी
कई लोगों से अपील की थी, सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी और ये कहा था कि वो लोग शामिल हों इस रैली में, लेकिन इस रैली में शामिल होने के लिए लोग नहीं आए। और जो लोग नजर आ रही, ये देखिए आप तस्वीरें कि अनुराग ठाकुर की तस्वीरें दिखाएं कि जो इस समय आप देखिए खेल मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, जी किशन रेड्डी बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और पीछे अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं बाइक पर और लगातार नारेबाजी चल रही है। मीनाक्षी लेखी भी यहां पर इस बाइक रैली में शामिल है। ये देखिए हर्षवर्धन स्कूटर चलाते हुए जा रहे हैं, हर्षवर्धन की तस्वीर दिखाएं जो सांसद हैं बीजेपी के, वो स्कूटर चला रहे हैं, उनके पीछे भी एक यहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर इस समय नजर आ रही है और इसके पीछे, इस आयोजन के पीछे यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाइक रैली में शामिल हों, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शरीक करें। एक बार तस्वीरें फिर दिखाएं अनुराग ठाकुर की, अनुराग ठाकुर इस समय बैठे हुए हैं, जी किशन रेड्डी बाइक चला रहे हैं, दोनों ही नेता इस समय एक ही बाइक पर सवार हैं और ये बाइक रैली इस समय आप देखिए पुराना किला पर पहुंच चुकी है और पुराने किले की तस्वीरें दिखाएं अजय कैमरा पर्सन, दिखाएं कि किस तरीके से और किन रास्तों से बाइक रैली चल रही है। इस समय देखिए भैरव मंदिर के पास में पहुंचे हैं रमेश विधुड़ी की भी आप तस्वीर देख रहे होंगे, बीजेपी के सांसद हैं और वो देखिए वो भी इस समय सवार हैं और वो चला रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। और इसके अलावा कई मंत्री हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो। बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं, देखिए साफ तौर पर मकसद यही है कि जन भागीदारी इस पूरी रैली में हो, राजनीति से ऊपर उठकर अपनी भारत माता के प्रति आपका समर्पण क्या है, उस समर्पण की भावना को लेकर लगातार ये बाइक रैली जो है वो बढ़ रही है। पिछले साल भी हमने यही तस्वीरें देखी थी दिल्ली की सड़कों में और हम देख भी पा रहे हैं तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं या यूं कहे बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं और जन भागीदारी भी हम देख पा रहे हैं बाइक रैली में कि किस तरीके से तमाम जो नेतागण हैं या जो जनता है दिल्ली की वो बाहर निकली अपने घरों से और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आप देखिए ये काफिला जो है लगातार बढ़ रहा है। प्रियंका हमारी सहयोगी, इससे पहले उन्होंने मनोज तिवारी से भी बातचीत की है, वो भी इस रैली का हिस्सा है, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। हर घर तिरंगा के तहत बाइक रैली आज से शुरू हो रही है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूरी तैयारियां हो गई हैं, किसी भी वक्त बाइक रैली जो है वो शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री को आप यहां पर देख रहे हैं हेलमेट पहनने की पूरी तैयारी के साथ, दूसरी तरफ आपको दूसरी बाइक पर अर्जुन मेघवाल नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री आगे यहां पर आप देख रहे हैं कि हेलमेट के साथ पूरी तैयारी, सब तिरंगा यात्रा और हेलमेट सबको शुभकामनाएं। अर्जुन जी भी यहां पर है सर, क्या संदेश तिरंगा यात्रा के जरिए? देखिए हर घर तिरंगा जो अभियान है, हर नागरिक को अपने हाथ में लेना चाहिए, हर नागरिक को ये भाव जगाने के लिए आज का संदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बाइक पे तमाम केंद्रीय मंत्री एमपी आपको नजर आ रहे हैं एक के बाद एक और यहाँ से ये बाइक रैली जो है वो शुरू हो रही है। मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी इधर देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। खास बात ये कि जितने नेता जितने मंत्री सब नजर आ रहे हैं वो सब तमाम बाइक्स में बैठे हुए हैं, हेलमेट के साथ बैठे हुए सर, एक लाइन विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पर आप मनोज तिवारी को देख रहे हैं हेलमेट पहने हुए हैं, पीछे उनके जो केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और यहाँ से ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं शुरू हो गई है, एक के बाद एक ये तिरंगा बाइक रैली शुरू हो रही है जिसमें तमाम मंत्री तमाम एमपी शामिल हो रहे हैं और हर एक बाइक में एक तिरंगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो तमाम बाइकें यहाँ आपको नजर आ रही है उन सब में एक एक तिरंगा लगा हुआ है और खास बात यह कि कहा गया है, खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी मोड़ पर इस पूरी यात्रा के तिरंगे का अपमान ना हो। बिल्कुल, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा किस तरीके से ये जो बाइक रैली है प्रगति मैदान से शुरू हुई है। पिछले साल हमने तस्वीरों में देखा था कि लाल किले से इस रैली की शुरुआत की गई थी और भावना यही है, जन भावना यही है कि हर एक की भागीदारी इस बाइक रैली में हो ताकि देश के प्रति समर्पण या यूं कहे अपने तिरंगे के प्रति जो समर्पण है लोगों का और ज्यादा बढ़े और हमारे तिरंगे की आन बान शान और ज्यादा विदेशों में लहराए चमके। इसीलिए ही अब जो है ये लगातार जो है बाइक रैली आगे बढ़ रही है, प्रगति मैदान से लेकर अब ये कर्तव्य पथ की ओर ये बाइक रैली बढ़ती हुई नजर आ रही है।
आजादी का अमृत महोत्सव पिछले दो वर्षों में लाखों कार्यक्रम देशभर में किए गए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। संकल्प एक ही मन में था, 75 वर्ष आजादी के हुए हैं, संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तिरंगे की ताकत को और बढ़ाना है। और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और न केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। ये अवसर है हमें कि तिरंगे को घर घर लहरा दो। पिछले साल भी जब हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया, तब हमने देखा कि जो 2011 में जब मैं तिरंगा यात्रा लेके कश्मीर गया था, तो उससे पहले कश्मीर में तिरंगे झंडे को बहुत बार जला दिया जाता था। पाकिस्तान के झंडे को कई लोग अपने घरों पर लगाते थे, लेकिन 370-35 से भी चला गया। और पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार चला था, और इस बार भी देश के हर घर पे तिरंगा लहराएगा। हम सब ये प्रण लेंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो देश के हर घर तक तिरंगे की ताकत पहुंचे, इसी मकसद से हर घर तिरंगा अभियान, उसकी शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान से हो चुकी है। लगातार तिरंगे की ताकत को किस तरीके से बढ़ाना है, या देश की आन बान शान हमारा तिरंगा, उसके प्रति जन भागीदारी का समर्पण किस तरीके से और ज्यादा प्रतिबद्धता की तरफ बढ़ता है, ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश आज की गई है। देखिए, राजनीति से ऊपर उठ के सभी सांसदों मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था इस बाइक रैली का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन हम सड़कों में फिलहाल देख पा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, या यूं कहें जो सांसद हैं, वो इस बाइक रैली का हिस्सा बने हुए हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रवि, अभी फिलहाल आप कहां पर पहुंचे हैं, कहां तक ये रैली पहुंची है? देखिए, हम देख पा रहे हैं जन नेताओं की भागीदारी तो हम बाइक रैली में देख पा रहे हैं, लेकिन जो जनता है, कितनी बड़ी तादाद में जनता भी अपने घरों से बाहर निकली है? जनता यहाँ पर बाहर निकली है। इसमें थोड़े से नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि इसमें टनल, प्रगति मैदान के टनल के अंदर से ये बाइक रैली इसमें गुजर रही है। और तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से प्रगति मैदान से इसकी शुरुआत हुई बाइक रैली की, और टनल से गुजरते ये बाइक रैली आगे बढ़ रही है। इसमें बहुत सारी संख्या में तो सांसद और केंद्रीय मंत्री तो है ही, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाके की आम जनता भी इस बाइक रैली में शामिल हुई है, क्योंकि पिछले साल भी जो बाइक रैली हुई थी लाल किला से, जब उसकी शुरुआत हुई थी, उसमें भी बड़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया था। और लेकिन इस बार ज्यादा संख्या नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखें कि इसमें टनल से गुजरती हुई ये बाइक रैली अब थोड़ी देर के बाद में इंडिया गेट के गोल चक्कर पर पहुंच जाएगी, एक बार सर्कल यानी कि एक गोल चक्कर लेते हुए और कर्तव्य पथ होते हुए फिर आगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर बाइक रैली का समापन होगा। फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बाइक रैली को फ्लैग अप किया, हरी झंडी दिखाई, और इसमें केंद्रीय मंत्री चाहे अनुराग ठाकुर हो, जो है वो खेल मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, वो लोग शामिल हैं और खुद बाइक पर इस समय सवार हैं। और ये देखे, लोगों का मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बाइक रैली में, क्योंकि एक किसी पार्टी की ये बाइक रैली नहीं है, ये सिर्फ सरकार की बाइक रैली नहीं है, इस बाइक रैली में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें, वो कार्यकर्ता हो, दूसरे दलों के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता। बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जन भागीदारी भी इस बाइक रैली में नजर आ रही है। मकसद यही है कि देश को एक सूत्र में बांधना है, और किस तरीके से देश के प्रति, तिरंगे के प्रति आपकी संकल्पबद्धता है, उसे जो समर्पण है देश के प्रति, उस भावना को और ज्यादा जागृत करना है जनता के बीच। लेकिन